इतनी आर्थिक विषमता, गैर बराबरी हिंदुस्तान में, दुनिया में और किसी देश में भी है क्या? यानी यहाँ पर 70% से ज्यादा देश की संपदा जो है वो 10% लोगों के हाथ में है और 90% लोगों के पास जो है कुछ भी नहीं बचा। ये सबसे ज्यादा विषमता इस मोदी राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे हैं। हमारी मांग तो ये है कि जो सरकार के द्वारा MSP नहीं दिया जा रहा है वो MSP मिले, जो कानून में संशोधन किया गया है मजदूरों का वो वापस लिया जाए। वो मजदूर को मारने का है, किसान को मारने का है, इसलिए हम इकट्ठा होकर और इस सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ लेने का नारा लगा रहे हैं लेकिन केवल कारपोरेट को साथ लेके चल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं चल रहे। ये जुमलेबाजी से क्या निकलेगा उनकी, वो तो पोल खुल चुकी है अब सारे जुमले। सरकार के साथ तो जाने का मतलब ही नहीं है, जो सरकार लाई ऐसे ऐसे मिल रही है और वो भी अध्यादेशों के जरिए लगातार, तो उसके साथ जाने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो लड़ाई है और जो शुरू से चलती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वतन 24 TV। इस समय हम दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में हैं। यहाँ पर किसान और मजदूर एक साथ एकजुट हुए हैं, एक मंच पर आए हैं और यहाँ पर कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। अब कोशिश इनकी क्या है कि 2024 से पहले ये सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह है। लाल कटोरा स्टेडियम इकट्ठा हुए हैं, क्या मंशा है, क्या बताना चाहते हैं? ये एक ऐतिहासिक दिन है आज का। हिंदुस्तान में सभी प्रमुख किसान संगठन और सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन पहली बार एक मंच के ऊपर आए हैं। आज तक कभी इतना बड़ा आयोजन कभी भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे मंशा ये है कि इस सरकार का जो 9 साल का शासन काल है उसका प्रभाव लोगों के ऊपर, किसानों पे, मजदूरों पे, जो देश के निर्माता हैं वो भुगत भोगी हैं उसके। वही बेरोजगारी, वही महंगाई की मार झेल रहे हैं, छंटनियाँ हो रही हैं, फसलों की लूट हो रही है, मजदूरों के श्रम की लूट हो रही है, लेबर कानून हटा रहे हैं, लेबर कोड बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दबाव धबू बनाने का सवाल नहीं है, तो मामूली बात है। नहीं, आरोप लगते हैं कि किसान सियासत करते हैं और 2024 से पहले हम जरूर करते हैं सियासत, लेकिन हम सियासी पार्टी नहीं है। हम सियासत ये करते हैं कि ये जो कारपोरेट और सांप्रदायिकता की सरकार है ये 3 असूलों पे चल रही है। इनकी रणनीति ये है कि लूट करने के लिए झूठ और फूट ये डालो। झूठ बोलना इनका काम है, RSS और जितना भी संघ परिवार है, दंगे करवाना फूट वो इनका काम है, और ऐसा करके वो सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सबको साथ लेने का नारा लगा रहे हैं लेकिन केवल कारपोरेट को साथ लेके चल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं चल रहे। ये जुमलेबाजी से क्या निकलेगा उनकी, वो तो पोल खुल चुकी है अब सारे जुमले उनके। क्या मुख्य मांगे हैं सर इस जो यहाँ पर हुआ है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मुख्य मांगे? हमारी मांग तो ये है कि जो सरकार के द्वारा MSP नहीं दिया जा रहा है वो MSP मिले, जो कानून में संशोधन किया गया है मजदूरों का वो वापस लिया जाए। वो मजदूर को मारने का है, किसान को मारने का है, इसलिए हम इकट्ठा होकर और इस सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी चेहरे के खिलाफ नहीं है। ये आप सोच सकते हैं, हम आपको यदि ज़मीनी हकीकत किसी की दावा करने से नहीं होता, ज़मीनी हकीकत किसी के दावा करने से चेंज नहीं होती है। ज़मीन पर देखिए रोज़ाना 10 से ज़्यादा किसान जो सुसाइड कर रहे हैं और आप फिर भी कहते हैं वो खुशहाल है, तो ये आपकी मांग क्या है? मांग बताइए। हमारी मांग सीधी है, MSP मिले। किसान किया है, मना तो नहीं किया ना? वादा करने से मिलता है क्या? सच्चाई क्या है? वो तो मिल नहीं रहा है ना, कहीं भी मिला है क्या? ये हमको बताइए कि मिल रहा है। वादा करने से कुछ नहीं होता है, कोई भी वादा कर देगा हम ये कर रहेंगे, सबके लिए हम कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है? हम उसकी बात करना चाहते हैं जो हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि क्या क्या रहा है, हम ये चाहते हैं जो हो रहा है उसको देखो, और हो ये रहा है कि MSP किसान को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे भरोसा तो हकीकत में जो चीज़ है उसी पर होगा ना। भरोसा क्या कर लेगा? आप ये बताइए कि जितनी आर्थिक विषमता, गैर बराबरी हिंदुस्तान में, दुनिया में और किसी देश में भी है क्या? यानी यहाँ पर 70% से ज़्यादा देश की संपदा जो है वो 10% लोगों के हाथ में है
और 90% लोगों के पास जो है कुछ भी नहीं बचा। ये सबसे ज्यादा विषमता इस मोदी राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे हैं आप, वो पूंजीपति की बात करते हैं अडानी, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अब वो क्या बोलते हैं, हमें क्या, हम तो किसान मजदूर की भाषा बोल रहे हैं आज के दिन तो, और अगर वो इस तरह की भाषा बोलने लग जाए तो हमें उसमें प्रॉब्लम क्या है। मौके की बात हो रही है, 24 से पहले आप लोग सक्रिय हो रहे हैं। हम तो हमेशा ही सक्रिय हैं, बीच में खाली कब बैठे हैं ये बताओ ना, और 24 का क्या है मतलब, ये सरकार जो लोग बना सकते हैं तो बिगाड़ भी तो सकते हैं, तो 24 में कौन सा वो इनको फूल की माला डाल देंगे लोग। अगर ये हालत चलती रही और इस रास्ते को और इन मांगों को वो नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी हटाएंगे लोग। लोकतंत्र में तो यही होता है, आप वो सोचते हैं हम तानाशाही लगा के और लोगों को बांट के और चुनाव में भी हम ऐसे ही कुछ न कुछ स्टंटबाजी करके कर लेंगे, ये ऐसा होने नहीं देंगे लोग। मतलब आप लोगों ने कहा था कि ये जो 3 कानून है ये वापस हो जाएंगे तो हम सरकार के साथ रहेंगे, ऐसा ऐसा कभी नहीं कहा। सरकार के साथ तो जाने का मतलब ही नहीं है, जो सरकार लाई ऐसे ऐसे मिल रही है और वो भी अध्यादेशों के जरिए लगातार, तो उसके साथ जाने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो लड़ाई है और जो शुरू से चलती आ रही है और इसको अभी भी ये लड़ाई संघर्ष जारी है मजदूरों किसानों का लगातार, और लेबर कोड के मामले में जो कोड बदले गए लेबर कानूनों का जो विरोध जो लाए उसका भी हम विरोध करते हैं।